तो पता लग ही जाएगा, सलमान खान का घर में मारेंगे, जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा। आप डाउट कर रही है पुलिस का, भाग जाएंगे। लड़की के पीछे भागेगा, लड़की पैसा भागेगा, पैसे के पीछे भागेगा, लड़की तेरे पीछे भागेगा। आप डेविल के पीछे, डेविल आपके पीछे। Too much fun. ये पूरा ऐसे लग रहा है कि तो आप भाग जाएंगे, पुलिस कितने सिक्योरिटी आपके, तो जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का घर मारेंगे, जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, बिना मतलब कोई इन्वॉल्व कर रही। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को एक गैंगस्टर ने दी जान से मारने की धमकी। अगर सलमान खान जोधपुर आ गए तो उनकी हत्या कर दी जाएगी। जी हाँ, अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट, सलमान खान को पंजाब के एक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने जान से मारने की धमकी दी है। आपको बता दें कि लॉरेंस पर कई मामलों में केस दर्ज है, और ये वाकया तब हुआ जब वो जोधपुर कोर्ट में पेशी के लिए पहुंचा और मीडिया से बात करते हुए उसने सलमान को ये धमकी दी। लेकिन उसने सलमान को ऐसी धमकी क्यों दी, इसकी वजह सुनिए। दरअसल सलमान खान साल 1998 में हिरण शिकार मामले में अभियुक्त है, और इसी सिलसिले में वो जोधपुर आए थे। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई समाज से ताल्लुक रखते हैं, और बिश्नोई समाज हिरण के शिकार मामले को लेकर सलमान से काफी खफा है। आपको बता दें कि ये कम्युनिटी वाइल्ड एनिमल्स की सुरक्षा और उनकी देखभाल के लिए जाना जाता है। कहते हैं कि साल 1998 में सलमान खान अपनी फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान हिरण का शिकार किया था, जिसके बाद उन पर मुकदमा किया गया, जिसमें सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू, नीलम कोठारी भी कानून के पचरे में पड़े। गैंगस्टर लॉरेंस हत्या, वसूली, फायरिंग जैसे कई मामलों में अभियुक्त है। हालांकि वो कहता है वो बेगुनाह है और पुलिस उसे बेवजह फंसा रही है। लेकिन इस तरह खुलेआम जान से मारने की धमकी पर क्या कहना चाहेंगे सलमान खान? वहीं पुलिस कमिश्नर ने सलमान की सुरक्षा को लेकर लोगों को आश्वस्त किया।